लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए आइकन। हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम डी फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स टू का एक्सपेरिमेंट नंबर पर टू परफॉर्म करने वाले हैं द टाइटल ऑफ टूडेज एक्सपेरिमेंट इज टू अंडरस्टैंड वेट्स एंड मेजर्स इन्वॉल्ड इन डिस्पेंसिंग अब चूँकि ये सब्सट सब्जेक्ट जो है ये डिस्पेंसिंग फार्मासी का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स टू तो इसमें वेट्स एंड मेजर्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डिस्पेंसिंग सिर्फ डिस्पेंस नहीं करना होता उसे कंपाउंडिंग करके फिर डिस्पेंस करना है तो इसी हमने जो सब्सटेंस चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं उनका अच्छे से एक्यूरेटली वेट करना उन्हें मेजर करना इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट में वेट्स एंड मेजर्स जो होते हैं वो स्टडी करने वाले हैं द प्रायर कंसेप्ट आर इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसिंग फार्मेसी अभी जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का इंट्रोडक्शन है ये हम लास्ट एक्सपेरिमेंट में कवर कर चुके हैं आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में जो न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके साथ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं सो दोज़ आर टाइप ऑफ सिस्टम्स कन्वर्जन ऑफ़ इम्पेरियल टू मेट्रिक सिस्टम जो सिस्टम होते हैं मेजर्स के या फिर वेट्स के तो दो सिस्टम होते हैं फर्स्ट इज एम्पेरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम तो एम्पेरियल सिस्टम से मेट्रिक सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करना है तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखने वाले हैं प्रपोजिशन वन इज़ वेट इट इज़ अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मास वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास वेट का डेफिनेशन है क्या है वेट इट इज़ अ मेजर ऑफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसी भी बॉडी के ऊपर चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है विच इज़ डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मेजर करना होता है तो वो होता है वेट और ये जो वेट होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे एंड मास पे डिपेंड करता है अब हम इस एक्सपेरिमेंट में जो सीखने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है जो हमने फ्लो चार्ट में दिया हुआ है तो वो है वेट एंड मेजर जनरली टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है दो सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम होता है इम्पेरियल सिस्टम सेकेंड होता है मेट्रिक सिस्टम इम्पेरियल सिस्टम जो होता है उसमें अगेन दो सब क्लासेस होते हैं फर्स्ट इज़ अवॉर्ड पॉइस एंड सेकेंड इज अपर अब इस वीडियो के मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटेलेक्चुअल स्किल्स सिर्फ यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं न कि मोटर स्किल सबसे पहले मैं आपको इंटेलेक्चुअल स्किल और मोटर स्किल के बीच का डिफरेंस बता दूँ कि इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होते हैं और मोटर स्किल्स क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब रिलेटेड टू योर ब्रेन जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में स्टोर करेंगे जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट बनेंगे नॉलेज के टर्म्स में कहिए या फिर इंफॉर्मेशन के टर्म्स में कहिए तो वो होती है इंटेलेक्चुअल स्किल मोटर स्किल्स क्या होती है जहाँ पे आपकी मूवमेंट ज़रूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल अपन अब एक्सपेरिमेंट uh, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वेइंग कैसे कर रहे हैं जो आप प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करोगे ना तो वो आएगी अंडर मोटर स्किल्स के तो ओके तो आपको इस तरह से पता चल गया होगा कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या होती है मोटर स्किल्स क्या होती है तो इंटेलेक्चुअल स्किल जो आपको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड है तो वो है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयर कन्वर्जन डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी सिस्टम होती है मेजरमेंट की वो अंडरस्टैंड आपको कर लेना है और उनके कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी अंडरस्टैंड कर लेना है अब स्टेप वाइज प्रोसीजर ये जो एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम वेट और मेजर को सीखने वाले हैं वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे कैसे सीखेंगे तो फर्स्ट सिस्टम जो होता है इम्पेरियल सिस्टम के अंडर वो है अवयटू पॉय सिस्टम ये जो अवॉय डू पॉय सिस्टम है उसमें पाउंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग एंड ऑल द मेजर्स ऑफ मास आर डिराइव फ्रॉम द इम्पेरियल स्टैंडर्ड दैट इज पाउंड जिसे कैपिटल एल एंड स्मॉल बी एल पी इस तरह से डिनोट किया जाता है तो ये जो पाउंड है इसका कन्वर्जन यहाँ पे उस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो वन पाउंड इज इक्वल टू सिक्सटीन आउंस अवर्ड वॉइस सिस्टम में वन पाउंड इज इक्वल टू सिक्सटीन आउंस आउंस जो है स्मॉल ओ जेड के फॉर्म में डिनोट किया जाता है और क्रेन जो है जी आर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है सो वन पाउंड इज इक्वल टू सिक्सटीन आउंस एंड सेवन थाउजेंड क्रेन जबकि वन आउंस इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड बाई सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू फोर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ग्रेन तो इस तरह से ये कन्वर्शन होता है ओके देन नेक्स्ट सिस्टम जो है इम्पेरियल सिस्टम के अंडर वो है एपोथी कैरेज सिस्टम अब यह एपोथी कैरेज सिस्टम क्या होता है दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम द ग्रेन इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ दिस सिस्टम एंड ऑल अदर वेट आर डिराइवड फ्राम इट अब ये जो अपोतिकेरी सिस्टम है इसे ट्रॉय सिस्टम ऐसा भी कहते हैं और इसमें क्रेन स्टैंडर्ड वेट होता है और स्टैंडर्ड वेट जो क्रेन होता है यहाँ पे उसी से सारे वेट्स ऑल अदर वेट जो होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं जबकि एवर सिस्टम में पाउंड ये स्टैंडर्ड वेट होता है ओके अब इस एपोतिकेरी सिस्टम में वन पाउंड इज इक्वल टू ट्वेल्व आउंस वन पाउंड इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स ड्रैकम वन पाउंड इज इक्वल टू टू एटी एट स्क्रप्पल एंड वन पाउंड इज इक्वल टू फाइव सेवन सिक्स ज़ीरो ग्रेन अब आपके दिमाग में यहाँ पे आया होगा कि अवर टू पॉय सिस्टम में भी आउंस लिखा हुआ है और एपोतरी सिस्टम में भी आउंस लिखा है लेकिन वैल्यूज़ अलग है तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से सिस्टम में से ये दिया हुआ है तो मैं आपको उसके लिए बता दूँ कि अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ना इम्पेरियल सिस्टम में तो उसके सामने लिखा हुआ होता है कि ये कौन से सिस्टम से डिराइव किया गया है अगर ये अवॉयड पॉय सिस्टम में है तो उसके सामने ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा लिखा हुआ कि ये अवॉयड पॉय सिस्टम में है या फिर अपोतिकैरी सिस्टम में है सो नो नीड टू वरी अबाउट इट ओके तो अब अपोथिकरी सिस्टम का जो टेबल है वो हम पढ़ रहे हैं अब तक हमने पाउंड का ग्रेन तक कन्वर्जन देख लिया है अब अपोतिकारे सिस्टम में वन हाउंस जो होता है इज इक्वल टू एट रैकम और वन हाउस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर स्क्रपल वन हाउंस इज इक्वल टू फोर एटी क्रेन जबकि वन ट्रैकम इज इक्वल टू थ्री स्क्रपल एंड वन ट्रैकम इज इक्वल टू सिक्सटी ग्रेन वन स्क्रपल इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्रेन तो इस तरह से ये कन्वर्जन किया जाता है ये जो नेक्स्ट टेबल है दैट कंटेन्स मेजरमेंट ऑफ कपेसिटी इन इम्पेरियल सिस्टम अभी जो इम्पेरियल सिस्टम है जहाँ पर हम कपेसिटी का मेजरमेंट करने वाले हैं ये ब्रिटिश मेथड है जहाँ पर गैलन जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है और जो ऑल ओदर मेजर्स होते हैं वो गैलन से ही डिराइव किए जाते हैं अभी भी ब्रिटिश इंडस् मतलब ब्रिटिश कंट्रीज जो होती है वहाँ पर भी गैलन में ही मेजरमेंट होता है लिक्विड्स का ओके तो वन गैलन इज इक्वल टू एट पिंट 1 gallon is equal to 160 fluid ounce, 1 gallon is equal to 1280 drachm, and 1 gallon is equal to 760 double zero minimum. Jahapar 1 pint is equal to 20 fluid ounce, 1 pint is equal to 160 fluid drachm, and 1 pint is equal to 96 double zero minimum. Jabki 1 fluid ounce is equal to 8 fluid drachm and 480 minim और वन फ्लो ट्रैकम जो होता है इज इक्वल टू सिक्सटी मिने अब ये तो था अवर ड बॉइज एंड ब्रिटिश सिस्टम के बारे में नाउ वी विल सी द मेट्रिक सिस्टम ये जो मेट्रिक सिस्टम है ये हम बचपन से इसके साथ डील करते आ रहे हैं स्कूल टाइम से या फिर हमारे डेली लाइफ में भी हम इसी से डील करते हैं किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम जो होता है ये हमारा यूजुअल डेली रूटीन वाला जो मेट्रिक सिस्टम होता है वही है द मेट्रिक सिस्टम इज़ यूज इन द फार्माकोपिया एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी फोर इन फार्मेसी प्रोफेशन फ़र्स्ट अप्रैल सिक्सटी नाइनटीन से हम फार्मेसी प्रोफेशन में इस मेट्रिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं इससे पहले हम लैटिन टर्म्स यूज़ करते थे तो किलोग्राम इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ़ वेट एंड ऑल अदर मेजर्स आर डिराव फ्रॉम इट तो जिस तरह से एवोडोपॉइस में पाउंड था एपोथिकेरिस में ग्रेन था और ब्रिटिश सिस्टम में गैलन था तो उसी तरह से मैट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम तो वन किलोग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम वन हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम वन डेकाग्राम इज इक्वल टू टेन ग्राम एंड वन डेसीग्राम इज इक्वल टू पॉइंट वन ग्राम एक सेंटीग्राम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम वन मिलीग्राम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ग्राम वन माइक्रोग्राम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन ग्राम एंड वन ग्राम इज इक्वल टू हंड वन थाउजेंड मिलीग्राम तो इस तरह से कन्वर्जन तो ये जो टेबल है दैट कंटेंस प्रपिक्स फॉर प्रशन एंड मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट ये आपको याद करना होगा जो सिंबल है प्रपिक्स है या फिर मल्टीपल्स है ये आपको याद ही कर लेने होंगे सो टेंडरस टू माइनस वन जिसका प्रपिक्स है टेसी और सिम्बल होता है स्मॉल डी टेंडरस टू माइनस टू सेंटिफ्राफिक्स होता है और जिसका सिंबल होता है स्मॉल डी इसी तरह से टेंडस टू माइनस ए तक यहाँ पे दे हुए हैं फ्रैक्शन तो ये आपको याद कर लेना है द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी अ लीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैपेसिटी मेजर करने के लिए लीटर ये यूनिट यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का और कन्वर्जन टेबल जो होता है द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया यूज ओनली द मेट्रिक सिस्टम इंडिया का जो फार्माकोपिया है वो हमेशा मेट्रिक सिस्टम ही यूज़ करता है ओनली मेट्रिक सिस्टम ही यूज़ किया जाता है प्रीवियसली प्रिस्क्रिप्शन वे आर रिटन इन इम्पेरियल सिस्टम बाय मेनी फिजिशियन सो अ कन्वर्जर टेबल गिवन बिलो इज़ यूज बाय द फार्मासिस्ट पहले क्या होता था हमने फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी फोर से फार्माकोपिया में मेट्रिक सिस्टम यूज़ किया है तो उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे फिजिशियंस जो होते थे वो लैटिन टर्म्स में प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते थे इम्पेरियल सिस्टम में प्रिस्क्राइब करते थे तो उसके लिए उसका कन्वर्जन टेबल हमें यहाँ पे दिया है फॉर द सेक ऑफ़ इंफॉर्मेशन तो ये टेबल हम एक बार देख लेते हैं वॉट इज़ द कन्वर्जन टेबल सो फर्स्ट टेबल कंटेंस प्रैक्टिकल इक्वेलेंट एंड वेट मेजर तो एक किलोग्राम जो होता है तो एक किलोग्राम इज़ इक्वल टू टू पॉइंट टू पाउंड अवर्ड पॉइस अवर्ड पॉय जो सिस्टम होता है तो उसमें से टू पॉइंट टू पाउंड इज़ इक्वल टू वन किलोग्राम वन पाउंड इन अवर्ड पॉय सिस्टम इज़ इक्वल टू फोर फिफ्टी फोर ग्राम वन आउंस अवर्डो पॉइस इज इक्वल टू तो ट्वेंटी एट पॉइंट फोर ग्राम वन आउंस अपोती कैरे सिस्टम इज इक्वल टू तो थर्टी वन पॉइंट वन ग्राम एंड वन पाउंड अपोथिक कैरे इज़ इक्ल टू तो थ्री सेवेंटी थ्री ग्राम वन ग्राम इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट फोर ग्रेन एंड वन ग्रेन इज इक्वल टू तो सिक्सटी फोर पॉइंट एट मिलीग्राम तो ये जो कन्वर्जन है ये हमें याद रखने होते हैं क्योंकि अब हम जो आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं डिस्पेंसरिंग फार्मेसी में तो उसमें हमें इस टाइप के एवरडो पॉइज और एपोरिकेरी एपोतिकेरी सिस्टम में जो इम्पेरियल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है तो उसे मेट्रिक सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ें हमें याद करनी चाहिए नेक्स्ट इज लिक्विड मेजर दिए हुए हैं यहाँ पे तो वन मिलीमीटर इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट टू मिनट्स एंड वन फ्लूड आउंस इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स एम एल वन पिंट इज इक्वल टू फोर सेवेंटी थ्री एम एल एंड वन गैलन इज इक्वल टू थ्री सेवन नाइन जीरो एम एल तो ये भी हमें याद कर लेना है ऑल ओवर मेजर्स आर ऑल ओबर मेजर्स आर एज पर रेमिंगटन द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी ये जो द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी नाम का ये जो बुक है उनके ऑथर है रेमिंगटन तो उस बुक में से ये सारे जो कन्वर्जन है वो डिराइव किए हैं मतलब उस बुक्स का रेफरेंस लेके यहाँ पे उन्होंने कन्वर्जन का टेबल दिया हुआ ओके सो दिस टेबल कंटेंस कन्वर्जन फॉर डोमेस्टिक मेजर डोमेस्टिक मेजर क्या होते हैं वन ड्रॉप वन टी स्पून फूल वन डेजर्ट स्पून फूल ये जो मेजर्स होते हैं ये डॉक्टर लिक्विड प्रिपरेशन पे ज़्यादातर लिख के देते हैं कि वन टेबल स्पून फूल या फिर वन टी स्पून फूल एडमिनिस्टर करना है तो एक्चुअली ये क्वांटिटी होती कितनी है ये भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई पूछेगा अगर अपने अपनी फार्मेसी स्टोर खोली है और वहाँ पे आपको वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में कोई कंपाउंड अभी तो होता नहीं है कि कंपाउंडिंग करके फिर उसे प्रिस्क्राइब करना क्योंकि बहुत सारे प्रपेशन जो होते हैं वो मार्केट में रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग करना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि वन टी स्पून फूल कितना होता है कोई आपको पूछे तो आपको पता ते आना चाहिए तो वन ड्रॉप जो होता है वो होता है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल मेट्रिक सिस्टम में और इम्पेरियल सिस्टम में दैट इज़ इक्वल टू वन मिनिम वन टी स्पून फुल जो होता है वो होता है फोर एम एल एंड इन इम्पेरियल सिस्टम इट इज़ इक्वल टू वन फ्लूड ट्रैकम तो इस तरह से ये कन्वर्जन टेबल होता है जहाँ पे वन डजर स्पून फुल वन टेबल स्पून फुल टू टेबल स्पून फुल वन वाइन ग्लास फुल वन टी स्पून फूल और वन टी कप फुल और वन टम्बर फुल तो इस तरह से मेजरमेंट जो दिए जाते हैं जो हम डोमेस्टिक मेजर में यूज करते हैं तो उनका कन्वर्जन भी हमें आना चाहिए एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ वेट्स एंड मेजर अब इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं सिंपल क्वेश्चन है डिफाइन वेट वेट का डेफिनेशन अभी अभी देखा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हम मेजर करते हैं जो बॉडी के ऊपर ऐड कर रहा है एंड दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ़ और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट बॉडी और दैट थिंग नेम टू टाइप्स ऑफ इम्पेरियल सिस्टम अवर डो पॉइस एंड अपोटिकेरिज सिस्टम वन ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अवर पॉइस सिस्टम पाउंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेट्रिक सिस्टम किलोग्राम वन ग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड मिलीग्राम तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है इस तरह के जो आपको मैनुअल में दिए हुए हैं तो आपको ये सॉल्व करने हैं वन गैलन ऑफ वाटर विल मेक हाउ मेनी पिंट्स तो गैलन का पिंट में कितना कन्वर्जन होता है ये आपको लिखना है हाउ मेनी मिनिम्स विल मेक वन हंड्रेड एम तो कैलकुलेट करना है कि कितने एम में कितने मिनिम होंगे तो हंड्रेड uh, एम बनेगा तो so, इस तरह के क्वेश्चन है विच डोमेस्टिक मेजर आर यूजअली रिकमेंडेड फॉर डोसेज डोसेज देने के लिए क्या कौन सा डोमेस्टिक मेजर यूज़ किया जाता है आई थिंक इट्स वन टी स्पून फुल और वन टेबल स्पून फूल ये जो यूनिट है वे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम वेबल क्वान्टिटी ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस जो आप डिस्पेंसिंग बैलेंस यूज़ करते हो उसमें मिनिमम वेबल क्वांटिटी कितनी है तो ये सर के क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा